साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें, प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों जो आप देख रहे हैं गमले में, ये गुलदाउदी के पौधे हैं और ये पुराने वर्ष के हैं। मतलब गुलदाउदी में विशेष बात यह है कि यदि आपने अपने पौधों को एक साल सुरक्षित रख लिया तो फिर आप उनको अगले साल के लिए कटिंग के द्वारा आप अन्य पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसकी प्रक्रिया यह है कि जब इनका फूल समाप्त होता है तब इनकी जड़ों को, मतलब इनकी कटिंग करके इनको दूसरे गमलों में आप लगा दें। तो वो मैंने किया था और अब ये सुरक्षित बच गए हैं और इस समय अब मानसून आ गया है तो इनकी कटिंग करके इनका प्रोपोगेशन अब किया जा सकता है। तो जितने तरह की वैरायटी है उतनी तरह की हम कटिंग अलग अलग ले लेंगे और फिर इनका डेवलपमेंट इस समय आराम से हो जाएगा। तो ये देखिए हमने कटिंग सब काट ली हैं अलग अलग। ये पहले गमलों में हमने इनको जो कलर वाइज और वैरायटी वाइज इनका वो कर दिया था नामांकन, अब जो है इनको कटिंग के रूप में लगा देते हैं। तो दो तरह से हम कटिंग के द्वारा लगा रहे हैं, एक तो हार्मोन्स के द्वारा, ये देखिए इसमें कटिंग्स में हार्मोन हमने लगा दिया है। कटिंग में जितने बीज के पत्ते थे वो सब हटा दिए गए हैं और कटिंग इस तरह से तैयार कर ली गई है। और एक हार्मोन के द्वारा लगाएंगे और एक एलोवेरा जेल के द्वारा लगाएंगे। इस तरह से देखिए ये सैंड मिश्रित मिट्टी है, इसमें सैंड अधिक है, सैंड की मात्रा अधिक है और कुछ नीम खली मिलाई है और बर्मी कंपोस्ट मिलाई है, सादा मिट्टी मिला के अच्छा मिक्सचर बनाया है। ये कटिंग के पर्पस से ही है, अभी उस स्थाई के लिए नहीं है, ये कटिंग के पर्पस से है। और अलग अलग वैरायटी के अलग अलग गुलदाउदी को हम अलग अलग गमलों में लगाएंगे अलग अलग, इसलिए देखिए छोटे छोटे गमले हमने ले रखे हैं, अलग अलग कटिंग्स और अलग अलग, और दोनों को एक को हार्मोन से लगा रहे हैं हम और एक को एलोवेरा के द्वारा लगा रहे हैं। फिर दोनों का अपडेट आपको देंगे कि किससे इसका विस्तार, किससे इसका अच्छा प्रोपोगेशन हुआ, क्योंकि हर तरह का उपयोग करके देखना चाहिए भाई। एलोवेरा से इसलिए कि प्रकृति से प्रकृति का विकास देखिए अच्छा हो रहा है कि हार्मोन्स के द्वारा हो रहा है, अब जब प्रैक्टिकल करके देखा जाएगा तभी तो क्लियर होगा। तो इस तरह आपको छोटी छोटी जड़ें तैयार, कटिंग तैयार करना है, मूल पौधे से कटिंग तैयार कर लीजिए और फिर इन कटिंग में जब ये कटिंग आपकी लग जाएंगी तो इनसे फिर कटिंग बना लीजिए। और जो आपके ये पौधे जो लगे हुए हैं इनकी अगर कटिंग करेंगे तो जब अगला सीजन आएगा तो उसमें फूल और भी अच्छी मात्रा में आएंगे और सुंदर फूल निकल के आएंगे। ये कटिंग बहुत अच्छे मात्रा, पिंचिंग मतलब पिंचिंग भी हो जाएगी, कटिंग भी हो जाएगी, दोनों काम कर दीजिए। और साथ में इसको इसी समय खाद भी दे दीजिए क्योंकि गुलदाउदी खाद बहुत डिमांड इसकी रहती है, जितनी उर्वरक शक्ति आप इसको देंगे उतने ही अच्छे फूल इसमें आएंगे, ये इसका एक और मापदंड है। तो चलिए भाई इस समय सीजन चल रहा है और अच्छा सीजन है तो इसी समय इसका कर लिया जाए, अभी बिल्कुल समय चल रहा है इसका, इस समय अगर आप लगा लेंगे तो एक दो महीने के अंदर आपके पौधे तैयार हो जाएंगे कटिंग के साथ। तो देखिए ये भी एक कार्य किया जाए, जो भी प्रकृति प्रेमी हैं और अपनी बगिया को सुंदर और फूलों से भरा रखते हैं, रखना चाहते हैं, वो तो भाई बगैर गुलदाउदी के तो सुंदरता ही नहीं है, इसीलिए इसको स्वर्ण पुष्प भी कहा जाता है, स्वर्ण पुष्प के नाम से दिया जाता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आ रही हैं, बड़े हैवी फ्लावर्स उसमें आते हैं और मिनिएचर भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, तो भाई इसको तो लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है सुंदरता के लिए और आकर्षण के लिए। तो चलिए साहब इसको भी लगाया जाए और चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह जानकारी प्राप्त करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।